नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवकों द्वारा कबाड़ खरीदने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति से जबरदस्ती जय श्री राम नारे लगवाने का प्रयास किया जा रहा है। वायरल वीडियो में गले में भगवा गमछा डाले एक युवक द्वारा मुस्लिम व्यक्ति से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने की कोशिश की जा रही है। ये घटना उज्जैन के महीदपुर तहसील के झारणा थाने की है, जहां पर दो युवक एक व्यक्ति से जबरन जय श्री राम का नारा लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो में युवक कबाड़ी का सामान भी नीचे फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसे दोबारा गांव में ना आने की धमकी भी दे रहे हैं। और काफी देर के बाद शख्स जय श्री राम का नारा लगाता है, जिसके बाद उसे जाने दिया जाता है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। हमारे गाँव में से कमा के कैसे ले जाते मकला का जितने पूजा रहा था मुसलमान, राम राम जय राम बोलने में क्या, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोलने में, बोल जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोलने में क्या बोलना पड़ेगा। तुमने हमारे गांव में किसको पूजा तक नहीं, तुमने गांव में कुछ नहीं की, बोल जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री राम, जय श्री राम, मेरी बात सुन, जय श्री राम, मेरी बात सुन, हिंदू संगठन बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, जय श्री राम बोलने में क्या है, बोलना नहीं बोले, चलो ठीक है, जय श्री राम, बस जय श्री राम, जय श्री राम, बस ठीक है। वीडियो सामने आने के बाद उज्जैन SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि थाना झारणा का एक वीडियो सामने आया है और इसमें जो आवेदक हैं जिसके साथ यह घटना हुई है वह थाना झारणा में पहुंचे थे। आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही है। SP सत्येंद्र कुमार कहते हैं कि वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं, इसमें आम जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इसमें सबको संयम बरतने की जरूरत है। कुछ जो विघ्न संतोषी तत्व हैं, वह इस तरह की घटनाएं कर पूरे समाज में एक गलत संदेश दे रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है और इस पर पुलिस तत्काल संज्ञान लेगी, चाहे किसी भी पक्ष विपक्ष से संबंधित विषय हो। अगर कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से MP में लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इंदौर में एक चूड़ी विक्रेता संघ भी मारपीट की गई थी। आरोप है कि वो अपनी पहचान छिपा रहा था। एक अन्य घटना में बिस्किट विक्रेता को इसलिए मारा गया क्योंकि वो अपना आधार कार्ड नहीं दिखा पाया। इन घटनाओं पर कांग्रेस भी लगातार शिवराज सरकार को घेर रही है। कांग्रेस नेता PC शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून का खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी महंगाई चरम पर है और उससे ध्यान हटाने के लिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हमारे गांव में से कमा के कैसे ले जाते, मकला का जितने पूजा रहा था मुसलमान, राम राम जय श्री राम बोलने में क्या, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोलने में, बोल जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोलने में क्या बोलना पड़ेगा। तुमने हमारे गांव में किसको पूजा तक नहीं, तुमने गांव में कुछ नहीं की, बोल जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री राम, जय श्री राम, मेरी बात सुन, जय श्री राम, मेरी बात सुन, हिंदू संगठन बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, जय श्री राम बोलने में क्या है, बोलना नहीं बोले, चलो ठीक है, जय श्री राम, बस जय श्री राम, जय श्री राम, बस ठीक है, खुश।